जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम आए हैं श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में, जहां श्री बांके बिहारी जी ने अपने बाल समय में ना जाने कितनी लीलाएं रची थी। वृंदावन में कई ऐसी रोचक चीजें हैं जिनका रहस्य आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, चाहे वो निधिवन हो या फिर रंग महल का राज। दोनों ही सोचने पर मजबूर करते हैं कि कलयुग में कैसे कैसे चमत्कार हो सकते हैं। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ वृंदावन की ओर और जानते हैं श्री कृष्ण के अद्भुत नगरी के बारे में। वृंदावन की निधिवन की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रासलीला करने के लिए आज भी आते हैं। यहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं वो दिन में तो वृक्ष रहते हैं, लेकिन रात के समय ये सारे वृक्ष गोपी बन जाते हैं। जब हमने पंडित जी से इसके बारे में जानना चाहा तो उनका कहना है कि शाम होते ही निधिवन में कोई मौजूद नहीं रहता है, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपने आप चले जाते हैं। और इसके पीछे की यह मान्यता है कि अगर कोई भी इंसान अगर निधिवन में रुक जाता है तो या तो अंधा हो जाता है या फिर गूंगा हो जाता है या तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आपको इतना पता चल ही गया होगा कि निधिवन का रहस्य का संबंध लीलाधर श्री कृष्ण से है। इस निधिवन से जुड़ा विश्वास न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी बहस का विषय है। मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। हर एक भक्त की एक ख्वाहिश रहती है कि वो उस पवित्र धरा को एक बार माथे से लगा ले, जिसे बांके बिहारी अपने चरणों से पवित्र करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर दिन का वक्त भक्तों के नाम पर है तो रात का वक्त श्री कृष्ण और उनकी गोपियों को समर्पित है। इस पहर का साक्षी बनने के लिए कलयुग में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो श्री कृष्ण को साक्षात देख सके। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं रंग महल की तरफ। इसे भी लेकर कई रहस्य बताए गए हैं। आप जो ये पलंग देख रहे हैं ये कपड़े का है, लेकिन शाम को पंडित जी फूलों की सेज बनाते हैं और लास्ट में जब शयन आरती होती है उसके बाद उसी सेज पर लड्डू पान माला और पूरा 16 श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब सुबह वापस आते हैं तो पूरा सामान बिखरा हुआ होता है। अब इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की माया कहें या फिर श्री कृष्ण में डूबे भक्तों की भक्ति, लेकिन निधिवन का रहस्य आज भी बरकरार है। और दिव्य ऋषि मुनियों की माने तो भगवान की आस्था से किसी को भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा।